आत्मा के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, आपके कैरेक्टर के बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैडम ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी न्यून पर्सनैलिटी के ऊपर बायोपिक जिन्हें सारी दुनिया जानती है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे मिल्खा सिंह की बात, जी 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 जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात को मानती हूँ कि जाके पढ़ना पड़ा गूगल पे, इस संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जिसे मराठी में बोलते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ा, थैंक यू, तब जाके पता चला। हुतात्मा चौक मेरे मम्मी पापा के ब्रांचेस वहाँ पे थे, मेरे मम्मी पापा बैंकर्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, तो हम वहाँ पे जब भी उनसे मिलने जाते थे, हुतात्मा चौक, हाँ बर का हुतात्मा चौक अश्विनी, और हमने बड़े फ़ोटो वोटो भी खींचे, आज भी होंगे हमारे बचपन के फ़ोटो, व्हाट इज़ हुतात्मा चौक पप्पा, हम लोग चौक बोलते हैं मराठी में, हुतात्मा चौक। सो उस चौक के बारे में बात करते थे, पप्पा कहानी सुनाते थे, इधर काफ़ी सारे हुतात्मा हो गए, उनके लिए है ये। जब ये आया ऑफर, जब जयप्रद जी मिले और मैंने बोला हाँ, पापा कहते तो थे बचपन में वो फोर्ट एरिया और वो सब है ना, मैंने कहा वहाँ पे तो देखा हुआ है ये, लेट मी जस्ट गो एंड फाइंड आउट, क्योंकि ये नहीं था जैसा आपने कहा, मैं मान्य करती हूँ, इस बात को मानती हूँ कि नहीं था, वाकई में कहीं पे भी इसका जिक्र ज़्यादा नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, ज़्यादा नहीं था इतना। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, ये एक मूवमेंट चली थी महाराष्ट्र के लिए कि मुंबई के साथ महाराष्ट्र संयुक्त चाहिए, संयुक्त महाराष्ट्र चाहिए मुंबई के साथ, मुंबई हमारी है और उसको कहीं से भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हैं रिस्पॉन्सिबल, हमें चाहिए। ये मूवमेंट जब चली थी तब इसमें गांधीवादी लोग थे, उसमें राइट विंग लेफ्ट विंग जैसे हमेशा होता है, तो ये मालिनी दाई सामंत जो थी वो एक अहिंसावादी थी, गांधीवादी थी, मिल मजदूर लेवल के जो महिलाएं थीं उनको इकट्ठा करके महिला समिति लेकर इसी एक्टिविटी को, इसी मूवमेंट को वो न्याय दे रही थी। अब क्योंकि महिलाएं अलग अलग आइडियोलॉजी से थी, अलग अलग क्षेत्र से थी, तो उनकी सोच भी वैसी थी, हर एक को कंट्रोल करना, ये बताना कि ये गलत है ये सही है, उनकी उनको भी किसी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, उन महिलाओं को, उनको ठीक करना, उनको ये बताना कि बेटा ये गलत है। ऐसे में ये लड़की अंजलि उनकी ज़िंदगी में आ जाती है जिन्होंने अपने पापा को पुलिस फायरिंग में अपने आँखों के सामने मरते हुए देखा है, अब वो बदले की भावना में है, उसको वो अपना लेती है, अपने घर में रखती हैं, बोलती है बहुत अच्छी लड़की है, ये बिगड़ सकती है, फैल सकती है, गलत रास्ते जा सकती हैं। तो हाउ हर रिलेशनशिप विद अंजलि, हर रिलेशनशिप विद ऑल दीज वीमेन, एक इस मूवमेंट की तरफ इनका अपना झुकाव, उनका 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 यात्रा इस मूवमेंट की तरफ, अपने एक्स पति जो एडिटर हैं सचिन खेड़ेकर जी प्ले कर रहे हैं वो, उनके साथ इनका रिश्ता ऐसे ब्यूटीफुली पिरोया है इस शो में। सो दिस इज़ व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट, एंड लाइक गोइंग बैक कि जी हाँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये शो फर्स्ट में से आएगा। हुतात्मा दिवस क्या है वो पता चलेगा लोगों को, कि वो क्यों था, क्या है, ये आज सामने आएगा। बहुत बहुत, मैं जिस मॉन्यूमेंट को या जिस चीज़ को मैं देखती थी, ये क्यों बनी, उसका हिस्सा मैं बनी, ये आज मैं जो देख रही हूँ वो क्या था, उस जर्नी का हिस्सा मैं बनी,
एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुली शॉर्ट शो, इतना खूबसूरती से दर्शाया है हर चीज़ कि आपको भी मज़ा आएगा देखने में. और सारी वो इट्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ऐसे देखने में अरे यार पता नहीं चला ये क्या है, बहुत सहज तरीके से इन्होंने दिखाया है, तो बहुत मज़ा आया करते हुए भी. हाँ वो है. नहीं 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 कोई संबंध ही नहीं. नहीं फिल्म एक्टिंग एक्टिंग कर सकती हो. मैं आपको सच्ची कहूँ, मैं अपनी जिंदगी में नहीं नहीं कोई कोई संबंध ही नहीं. मैं पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं जानती, मुझे आता ही नहीं. मुझे एक्चुअली पॉलिटिक्स पी से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, मुझे नहीं पता. मतलब भाई इतनी नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है और मैं उसका सही इस्तेमाल बहुत सारी जगह करती हूँ. लेकिन ये देखिए, ये एरिया ही नहीं है अपना. एक होता है ना कि भाई स्विमिंग, मैं बताती हूँ स्विमिंग. हाँ, मैंने 5 बार क्लासेस ज्वाइन की. 5वीं क्लास में 5 बार एक एक महीना, मतलब एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं, एक महीना स्विमिंग सिखाते हैं. वैसे मैंने 5 अलग अलग उम्र के इसमें मैंने स्विमिंग सीखी. 5ों बार आखिरी दिन में जब ट्रेनर बोलता है जाओ जा सिमरन जा, मैं जाके डूबी 3 फीट पानी में. इसका मतलब क्या कि भाई स्विमिंग आपका एरिया नहीं है. वैसे पॉलिटिक्स मेरा एरिया नहीं है. बहुत अच्छा ग्रह, स्मृति जी के साथ तो हमने काम भी किया है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि यही वो महिलाएं हैं जिनके साथ मैंने काम किया. मुझे, मैं उनमें से लकी कुछ कलाकारों में से हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब जिस हिसाब से वो बात करती हैं, उनकी कमांड ओवर ऑल द लैंग्वेजेस, कमांड ओवर सब्जेक्ट होगा, लेकिन मुझे वो जिस हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस, ये बहुत बढ़िया. आई एम सो हैप्पी. उर्मिला जी आ रही हैं, स्मृति जी हैं, हेमा जी जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, हेमा जी के साथ तो मैंने आई नो, सो आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस यूनिफॉर्म में औरतें खूबसूरत लगती हैं, वैसे एज अ पॉलिटिशियन औरतें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, उम्दा लगती हैं. नहीं नहीं मतलब ही नहीं. जी जी मेरे, मुझे लगा, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा बड़ा एक्सप्रेसिव है. मेरे चेहरे से आपको नहीं पता चल रहा, मैं शून्य खबर रखती हूँ इस मामले में. जो आप बोल रहे हैं मेरे लिए, अच्छा कब हुआ ये, ऐसा है. मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं फेमस हूँ मूफट नाम से, लेकिन मुझे ये इसमें रस ही नहीं मेरे भाई. मैं तो, आप अगर बोलेंगे आपको पता है वहाँ पे ऐसा हुआ, मेरे ड्राइवर जो हैं वो बात करते रहते हैं और मैं बोलती हूँ अच्छा, कहती ये पता है आपको कौन है, तो मैंने बोला दो एरियाज, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, मुझे नहीं मालूम. नहीं वोट करना चाहिए, अच्छा ये मुझे पता नहीं है. हाँ हाँ नहीं 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 ये आप जो बता रहे हैं ये अभी मैं सुन रही हूँ. हाँ ये तो मुझे पता नहीं था.
हमें तो पापा ने ये सिखाया था बचपन से, 18 साल के जब हम हो गए हैं हम वोटिंग करने जाते थे, या हम जब वोटिंग नहीं करते थे तो पापा के साथ सिर्फ जाते थे, वो इंक लगवानी थी, वो हम उनको बोलते थे इंक लगाओ, फिर वो लगाते नहीं थे तो हम लोग घर पे आके ब्लैक स्याही लगा लेते थे कि अरे वोटिंग किया। एक बड़ा क्रेज़ था, वोटिंग क्या होता है कुछ होता है मालूम नहीं। हम पापा से पूछते थे, पापा आपने किसके ऊपर स्टैम्प किया, कैसा करते हैं ये? पापा कहते थे नहीं बताऊंगा। फिर मम्मी को पूछते थे, पापा ने किसके ऊपर स्टैम्प किया बताओ ना, तो मम्मी कहती थी मुझे नहीं मालूम। मम्मी पापा से पूछते थे, मम्मी ने किसके ऊपर स्टैम्प किया मुझे नहीं मालूम, एंड आई एम नॉट लाइंग, क्योंकि पापा ने हमेशा बोला था वोट तुम्हारा अपना हक है और वो किसी को नहीं बताना चाहिए। इज द बिगेस्ट सीक्रेट दैट यू विल गो विथ, सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया का ये होगा, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा हक है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी कोई भी हक छीना जा सकता है, ये हक नहीं कोई छीन सकता कि तुम वोट कर सकती हो। और तुम किसको करोगी ये किसी को नहीं बताना अश्विनी, जिंदगी में कभी नहीं बताना। तो मेरे पापा का वो स्टैम्प मेरे दिमाग में है, तो मेरे लिए ये कहना कि मैं तो इसको वोट करूंगी मैं तो उसको वोट करूंगी, ये तो पाप है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओपनली। तो मैं लोग ऐसा करके पाप कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं ये मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे आई डोंट इवन नो कि वो लोग बात कर रहे हैं या नहीं। मैं तो आप कह रहे हैं कि आप ये जो दो ग्रुप कुछ बनाए हैं आपने मुझसे कहा, तो आप या ये सही है या गलत है, मैं बोलूँगी मुझे, मैं तो उस वाले बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे हम लोग घर में भी डिस्कस नहीं करते आपने किसको वोट दिया, तो मैं आपके इस सवाल का जवाब किस हक से दूँ? क्योंकि मेरा अगेन मेरा अपब्रिंगिंग इस मामले में अलग है ना। तो जब मुझे ये पता ही नहीं कि भैया डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते होते तो मैं जवाब दे देती भाई कैसा क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग अलग ही, मेरे घर का माहौल ही अलग होता था कि भाई मम्मी पापा को भी नहीं बोलना है किसको वोट दिया। तो अब जो सवाल आप कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कमेंट कैसे करूं, क्योंकि मुझे मेरे लिए नया है। एक मई 2019 जी 5 पर हुतात्मा, बहुत ही बेहतरीन शो, 1950s के बैकग्राउंड में, जो मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र ये मूवमेंट चला था उसके ऊपर ये शो है, विद ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, अ लवली लव स्टोरी आल्सो। प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए Z5 को अपने स्मार्ट टीवी पे, एंड फर्स्ट में एक साथ 7 एपिसोड। मैं यकीन दिलाती हूँ आप 7 एपिसोड पूरे किए बगैर शो बंद नहीं करेंगे। वॉच इट, मस्त है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम यार मरवाओगे मुझे कुछ भी ऐसा।